अरे रिजवान भाई, पता चला है तुम जिम्बाब्वे से मैच हार गए यार। तुम्हारी भी टीम वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पे है। बताओ, देखो हमको नहीं रखने के कारण हमारे टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। हम तो भैया मस्त चाय का टोपी लगा है, मस्त जिंदगी काट रहे हैं। इसमें दो पैसा आ रहा है। जब तक बड़ी मैच कोई नहीं आ जाता तब तक चाय का टोपी चलाएंगे हम तो। अरे रसल चाचा, अब इनसे नहीं होने का क्रिकेट वगैरह। पहले हम इनको पहले बुरी तरीके से, फिर कल जिम्बाब्वे पहले अच्छे तरीके से। अब क्रिकेट विकेट नहीं होना इनसे। रिजवान और बाबर का फॉर्म तो घास चरने चला गया। अब दोबारा ये फॉर्म नहीं आने का इनका, ये तो वर्ल्ड कप से बाहर होंगे। अब एक काम करो, आप इनके इनको आप अपने साथ रख लो चाय के टोपली पे, तो पैसा इनको भी आते रहेंगे आपके साथ साथ, है कि नहीं। अरे ससुरी के अफरीदी, तुमको क्या हो गया ससुरी के? तुम्हारा तो फॉर्म ही गायब हो गया ससुरी के, जो हर मैच में दो तीन विकेट चटकाने वाले। बुरी तरीके से तुम्हारा फॉर्म गायब हो गया यार। बताओ तुम्हारी वजह से मैच हार रहे हैं। बताओ यार, आई हमारे कैप्टन का तो कोई यार आता पता ही नहीं चल रहा है। पिछले कितने महीनों से ये इनका फॉर्म गायब है, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं यार। वर्ल्ड कप से बाहर कराएंगे क्या बुरी तरीके से? क्या बोल रहे कैप्टन भाई हमारे, कुछ तो बोलो। अरे रिजवान भाई, इनके ऊपर तो विराट कोहली का खौफ चढ़ गया। अभी तक उतरा थोड़ी है पिछले मैच का, इसलिए ये नहीं चल रहे हैं। और पिछले कुछ महीने से तो इनका फॉर्म ही बुरी तरीके से गायब है। दूसरे के कप्तान ऐसे करेंगे तो कब तक संभालेंगे रिजवान भाई? बताओ यार, हमको भी खिला लिए। हमारा तो अभी तक हाथ पैर सही से नहीं चल रहा था और हमको टीम में ले लिए। बताओ यार कैसे चलेंगे? हमारा तो स्पीड गायब हो गया है। बताओ यार। अरे रोहित भाई, कुछ तो समझाओ यार हमारे कैप्टन को। अरसल भाई, तुम यार चाय पिलाओ यार। अरे रिजवान भाई, एक काम करो यार, मेरा एक स्पेशल चाय पी के जाओ तुम, भगवती वागा चूड़न, समझे? मस्त प्रोटीन है उसमें और मस्त तुम्हारे प्लेयर चलेंगे, समझे क्या? लेकिन इंडिया वाले से बच के रहना भाई, क्योंकि तुमसे पहले इंडिया वाले पी रखे हैं, समझे?